हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टारो में। आज की पिकअप कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कब खत्म होंगी। तो पहली हाफ ऑफ द रीडिंग में हम जानेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके आपने सही पाइल चूज किया या नहीं। एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग में हम जानेंगे कि वो प्रॉब्लम्स कब तक चली जाएंगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके आपने सही पाइल चूज किया नहीं। एंड फिर टैरो कार्ड से देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स कब तक खत्म होंगी। तो आपके लिए जो ओरेकल्स निकले वो हैं ट्रायंफ, प्योरिटी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में थोड़ा सा स्टैग्नेशन यहाँ पर दिख रहा है। जो चीज़ें आपके साथ के लोग अभी तक अचीव कर चुके हैं या जितना कमा रहे हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, आप उनसे थोड़ा सा पिछड़े हुए इधर दिख रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमको अपनी लाइफ दूसरे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली आपके लिए ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर सब लोग ने सेम लेवल से शुरुआत की थी तो फिर मैं क्यों पीछे रह गई, वो क्वेश्चन हर वक्त आपके जहन में चलता रहता है। ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्योंकि आपके अंदर कुटिलता नहीं है, क्योंकि आप चंट नहीं है, इसीलिए बहुत लोग आपका इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल जा रहे हैं या आपसे फेवर्स ले लेते हैं, रोना धोना करके आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर ले करके फरार हो जाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही होती है और बिल्कुल रैंडम चीज़ें, पता चला कि एक प्लान बनाया था कहीं घूमने जाने का, एंड मोमेंट पे प्लान फेल हो गया, या फिर बहुत सपने देख रहे थे किसी फॉरेन कंट्री में जाने के तो वीज़ा अप्रूवल नहीं मिला या फ्लाइट डिले हो गई या पासपोर्ट नहीं आ पाया या वेरीफाई नहीं हो पाया, वो तमाम चीज़ें कुछ ना। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी गाड़ी जो है तेज़ गति पर आ गई है, अब हाईवे पे आ गई है, मैं तेज़ चला सकता हूँ, हालांकि नहीं चलाना चाहिए एनीवे, उधर एकदम से फिर आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, डेड एंड्स मिल जाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स मिल जाते हैं। जितना भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी मंथली इनकम या एनुअल इनकम कह लो है, उसमें भी काफ़ी टाइम से इंक्रीज नहीं हुआ है। हो सकता है पिछले एक दो सालों से आप सेम इनकम पर अटके हुए हों। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि आप एक महीने में 50,000 कमाते हैं, तो आप पिछले एक दो साल से आपका वही चल रहा है, एक महीने में 50,000, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई बोनस नहीं हो रहा है, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है। ऑल्सो अगर आप कभी किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ आप कोई काम चालू करते हैं, तो वो काम स्टार्ट तो हो जाता है, फिनिश नहीं हो पाता है। आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वो फिनिश नहीं हो पाता है। अब इसको अगर मुझे एग्जांपल के तौर पे समझाना हुआ तो मैं कहूँगी कि मान लो आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है, सारी क्लियरेंस मिल गई हैं, सब पेपर्स रेडी हैं, जगह भी मिल गई है आपको अपना ऑफिस खोलने के लिए, सब कुछ हो रहा है, सब बड़े खुश हैं, आपके वो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह सब छप गए हैं, आपने अपना लाइसेंस ले लिया है, ट्रेडमार्क वगैरह सब हो गया, बट जब बारी आई कंपनी के ऑपरेशंस चालू करने की तो कोई दिक्कत आ गई, वर्कर्स नहीं मिल रहे या जिनको अपॉइंट किया था वो काम पर नहीं आ रहे हैं, या जो बिजनेस पार्टनर होने वाला था वो पैसा लेकर के भाग गया, इस तरीके की चीज़ें। तो काम स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो फिनिश लाइन तक आपका नहीं पहुंच पाता है। आप में से कुछ लोग शायद आज ऐसे भी हों इस ग्रुप में जिनकी पढ़ाई रुक गई थी, मुझे नहीं पता इस समय आपकी क्या एज है, आप क्या कर रहे हैं, बट आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो जब आप स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो आपकी पढ़ाई में ब्रेक आया था, इसलिए नहीं क्योंकि आप फेल हुए थे या आपको क्लास रिपीट करनी पड़ी थी, लाइक प्रॉपर ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल 10th तो कर लिया, फिर 11th-12th में गैप आ गया, या फिर 12th तो कर लिया, कॉलेज तक पहुंचने में टाइम लग गया, बैचलर्स हो गए, मास्टर्स करने में टाइम लग गया क्योंकि पैसों की स्थिति नहीं ठीक चल रही थी, या लाइक आई सेट की क्योंकि आपके रास्ते में नैनी की रुकावटें आ ही रही हैं तो कुछ और
हो गया होगा घर पे, या हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो गई हो, इस वजह से आपकी पढ़ाई अटक गई हो। बट बेसिकली स्मूथली जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस करे, वो चीज़ नहीं हो पा रही। और आपको सबसे ज़्यादा ये बात खटकती है कि आपके दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, कोई खोट नहीं है, आपने आज तक 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया है, आप रिश्वतखोरी नहीं करते हैं, बेसिकली कोई भी गलत काम आज तक आपने किसी के साथ नहीं किया है। तो फिर आपको ये लगता है कि जब मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, तो मेरे साथ ये सब खराब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये भी परेशानी आपको लगी रहती है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये कब खत्म होंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाने का, हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए, वो चीज़ भी अटक के रह जा रही है। हो सकता है कई बार आपने अप्लाई किया हो वीज़ा के लिए, हर बार रिजेक्ट हो जाता है। खैर, आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी के साथ। और हालांकि ये जरूरी है, मुझे मालूम है ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जब लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है और आपको कोई बोले कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि दिक्कतों के बारे में आप सोचना छोड़ दें, बिकॉज वो नामुमकिन है, लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें जितना शायद आप अभी सोचते हैं। मे बी अभी क्या होता है कि आप दिन दिन भर बस यही सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत नकारात्मक एनर्जी बन रही है। इसीलिए आपको यहाँ पर स्पिरिट एडवाइस दे रहे हैं कि पहली चीज़ तो जो नेगेटिव एनर्जी इतनी बना करके रखी हुई है अपने दिल में, अपने दिमाग में, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके हटाना, क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल कि प्रॉब्लम्स खत्म होंगी या नहीं, डेफिनेटली खत्म होंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग क्लोज हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि एक बढ़िया, एक नई, एक बेहतर शुरुआत दर्शाता है। प्लस क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी आपके लिए निकल करके आया है, सो डेफिनेटली आप जो भी आपका खराब टाइम अभी चल रहा है, उस सबको आप पीछे छोड़ करके एक नई बिगिनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। नई बिगिनिंग का ये मतलब नहीं कि जिंदगी में हर ही कुछ नया होने वाला है, सब चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं। जो भी खराब चीज़ें चल रही थी, खराब टाइम जो आपका चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपके ओरेकल कार्ड से पिक किया था कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं वो देर तक नहीं चल पाता है, नई नौकरी ज्वाइन करते हैं वो जल्दी छूट जाती है, वो सारी चीज़ों जो हैं वो समस्या भी आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। प्लस जो आपकी ये शिकायत थी कि जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो दूसरे आपके साथ क्यों बुरा करके चले जाते हैं, चकमा दे करके चले जाते हैं, धोखा दे करके चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एक और चीज़ जस्ट इन, ये मैसेज मुझे आपको देने के लिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, मतलब इंसान को परखने की क्षमता जो है कि ये बंदा सही है या नहीं, भरोसे के लायक है या नहीं, वो शक्ति आपकी और ज़्यादा स्ट्रोंग होने वाली है आने वाले महीनों में। आपको बंदे से बात करके 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि ये भरोसे के लायक है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। तो एक तो वो साइकिक पावर आपकी उस मामले में बहुत बढ़िया ढंग से इम्प्रूव होने वाली है। रहा सवाल की प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी, एक तो मैं जनरल मैसेज दे दूँ, स्पेशली अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं जनवरी 2023 में, मई ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट जनरल अगर मुझे बोलना हो कि जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले उस टाइम से अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, तो 6 to 8 months, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर, 6 से 8 महीने के बाद नहीं, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ही आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि एक एक करके ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई चली जा रही हैं। और जो रफ्तार आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में, जो आपको लग रहा था गाड़ी बड़ी धीमी चल रही है या अटक अटक के चलती है, तो वो रफ्तार आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। आपकी चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हो सकता है ये साइंस मौजूद हो।
और लाइक ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ताकि आप बेहतर समझ सके आपने सही पाइल चूज किया है या नहीं। और उसके बाद टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स कब तक खत्म होंगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इमोशनल विथड्रॉल, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और अ चेंज इन द विंड। ऑलराइट, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में लगा हुआ है ग्रुप टू। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये है कि आजकल आपको किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। हो सकता है आप अपने आप को लिटरली फोर्स करते हो कि नहीं, बैठ करके ये बुक ख़त्म करो, बैठ करके ये मूवी देखो, या ज़बरदस्ती अपने आप को घर से बाहर निकालो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो एंड ऑल। बट चाहे आपके सामने आपका फेवरेट डिश रखा हुआ हो, चाहे आपके कानों में आपका फेवरेट गाना क्यों ना बज रहा हो, चाहे आपके सामने आपके फेवरेट एक्टर की पिक्चर क्यों ना चल रही हो, आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। और इसके लिए एक मेरा सजेशन अपनी तरफ से होगा कि डेफिनेटली आपको थेरेपी लेनी चाहिए अगर आपको मेंटल हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं तो। ये कोई छुपाने वाली, घबराने वाली, शर्माने वाली बात नहीं है। खैर, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक और प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है वो ये है कि जब आप किसी काम को लेकर के, या कोई चीज़ आपकी लाइफ में पता चला होने वाली है, ठीक है, और उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कुछ भी हो सकता है, यू नो कि ओ वाओ कल तो हम लोग फलानी जगह घूमने चले जाएंगे, पता चला कल ही बारिश हो गई, आपके सारे प्लान्स ठप। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। आपने प्लान बना रखा था बहुत टाइम से कि उस जगह पर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टिकट विकेट सब बुक करा लिए थे, एंड मोमेंट पे पता चला कि आपका ट्रेन कैंसिल हो गई या फ्लाइट कैंसिल हो गई, या घर में कोई बीमार पड़ गया तो नहीं जा पा रहे हैं। आपको ये शिकायत भी हो सकती है ग्रुप टू कि जो लोग आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, जिन लोगों से आप बहुत क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, वो लोग आपको छोड़ करके चले जाते हैं। आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं टिक पाती हैं, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं टिक पाती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, या दोस्ती में दरार आ जाती है। तो आपको ये वाली शिकायत भी हो सकती है कि हर कोई आपको अकेला छोड़ करके चला जाता है, एंड स्पेशली ऐसे मौकों पर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। ये प्रॉब्लम भी हो सकता है आपकी लाइफ में हो कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, खुशियाँ छाई हुई होती हैं, तब तो बड़े सारे लोग आपके आसपास होते हैं, बट जब आपको वाकई में लोगों की ज़रूरत होती है, जब किसी मुश्किल से आप गुजर रहे होते हैं, उस वक्त कोई नहीं होता है आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको अपना कंधा देने के लिए कि आप उस पर रो सकें, कोई आपकी बातें सुन सके, उस वक्त वो सारे लोग दूर दूर तक नहीं होते हैं। डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड भी खासा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है आपके पास इस समय जॉब ना हो, अगर जॉब है तो उसमें आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने की आपको ज़रूरत है, ज़रूरतें आपकी इतनी हैं, पैसा भी आपको इतना मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप बार बार कंपिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, एक स्टेज निकल जाती है, दूसरी स्टेज निकल जाती है, फाइनल स्टेज पर आके आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है तो ये भी मुमकिन है कि वो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा चला था, बट अब बिल्कुल ठप सा पड़ गया है, बहुत कम बिजनेस आ रहा है, बहुत कम उससे पैसे आ रहे हैं। एंड हो सकता है आपके घर का पूरा भार सिर्फ आप ही के ऊपर हो, मतलब आपके घर में कमाने वाले सिर्फ आप हो, और क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, पैसे कम आ रहे हैं, तो वो सारा मेंटल टेंशन भी बिल्कुल आपके ही सर के ऊपर है। आपको अक्सर आपके कंधों में दर्द होता होगा, गर्दन में दर्द होता होगा, आपके सर में अक्सर दर्द होता होगा, क्योंकि सारा प्रेशर उधर उधर जाकर ही कलेक्ट हो रखा है। तो मेंटल स्ट्रेस भी है, पैसों का स्ट्रेस है, लाइफ में पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हर जगह से ही आपको डिसअपॉइंटमेंट पर डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। और बेकार बात यहाँ पर यह है, अ चेंज इन द विंड के साथ, कि ये जो खराब चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपकी लाइफ में होती हैं, वो अचानक से होती हैं। जैसे कहते नहीं कि वेदर जो होता है अनप्रडिक्टेबल होता है, आप लाख फोरकास्ट कर लो लेकिन फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि वो चीज़ अगले दिन होगी
होगी ही होगी। तो सिमिलरली अ चेंज इन द विंड मुझे बता रहा है यहाँ पर हैप्पीनेस के साथ कि अच्छा खासा कोई काम आपका चल रहा होता है एंड लाइक आई सेड यू नो स्टार्टिंग में प्लान प्लान बना होता है और एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचा भी नहीं होगा आपने दूर दूर तक कि इस पर्टिकुलर ये ऐसी प्रॉब्लम एकदम से खड़ी हो जाएगी जिस वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। पता चला किसी एग्जाम के लिए बहुत जोर 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 शोर से तैयारी कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो एग्जाम कैंसिल हो गया, या फिर लास्ट मोमेंट पर सेंटर चेंज कर दिया गया और आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया आपके लास्ट मोमेंट पर आपके टिकट चेंज कराना या उतना दूर जाना, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कब खत्म होंगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ब्यूटिफुल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ स्पिरिट आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं ग्रुप टू कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो, जैसे नहीं कहते कि सबका पहिया ऐसे घूमता रहता है किस्मत का, तो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तो बिल्कुल अभी गर्त में, मेरा तो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे शायद पहिया चला गया है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि वो पहिया वापस से ऊपर आने वाला है, इनफैक्ट बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि ये काफी क्विक मूविंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एक डेस्टिनी का एलिमेंट होता है, एक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी वजह से ये जो परेशानियां आपकी जिंदगी में चल रही थी वो एक झटके में ऐसा लग रहा है मानो खत्म हो गई हो। एक ऐसा शायद आपको चीज मिल जाए, एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स, जैसे नहीं कहते अचूक उपाय या रामबाण, एक ऐसा चीज हमें मिल गई जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, वैसा कुछ आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। एंड हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं एक आकस्मिक रूप, एक टच होगा क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल करके आया है जो कि हमें ये भी बता रहा है कि ये सब डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय कोई ऐसी दशा चल रही हो या कोई प्लैनेट्स इस तरीके के हों जो कि फाइनली आप थोड़ा ढंग से काम करेंगे या मूव करेंगे, जो भी, उस वजह से भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिलहाल द एंड ऑफ अ टफ साइकिल से भी, ओ तो यहाँ पर टफ साइकिल एंड देन वो चीज़ जो मैंने बताई थी, सो या मेक सेंस। काफी समय से आप फंसे हुए थे इस लूप में और वो अब खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो जनवरी में, तो जुलाई ऑनवर्ड्स इन जनरल आप नोटिस करोगे कि बहुत तेजी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होना हो रही हैं, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती जा रही हैं बहुत जल्दी जल्दी। आज इसका सोल्यूशन मिल गया, कल उसका सोल्यूशन मिल गया, एंड कुछ भी हो सकता है, यू नो फॉर एग्जाम्पल आज आपकी बहुत बढ़िया नौकरी लग गई, अच्छे से अमाउंट का आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, दूसरे दिन आपको पता चला कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, तीसरे दिन आपको पता चला कि आपने कोई एग्जाम दिया था वो भी क्लियर हो गया, इस तरीके से बहुत ही जल्दी 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 वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। बट इन केस आप ये रीडिंग जनवरी में नहीं देख रहे हैं और मुझे एक जनरल टाइमिंग आपको देना हो, तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट आप इससे कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी दिक्कतें 6 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएंगी, मतलब 1 महीना और उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 महीना लगभग आप समझ लो, उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। तो ये जो रुख अभी हवा का दूसरी तरफ था, आपको फेवर नहीं दे रहा था, लक आपका साथ नहीं दे रहा था, वो वापस से लौट करके वो लक, वो किस्मत, वो फॉर्च्यून आपको मिलने वाला है। एंड सबसे मजेदार बात यहाँ पर ये कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के ठीक नीचे हमें मिला है एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अक्सर बहुत ज्यादा धन, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सारी चीजें इंडिकेट करता है। एंड द फैक्ट कि अभी आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और एक ऐसा कार्ड जो काफी अच्छे फाइनेंसेस रिप्रेजेंट करता है आपके लिए निकल करके आया है, दैट अगेन इज अ वेरी गुड साइन ग्रुप टू। आपके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके कि आपने सही पाइल चूज की है या नहीं, और फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं होप, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉर्नोकोपिया और रीजेनरेशन। ओके, ग्रुप थ्री, पहली चीज तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है बहुत टाइम से। मतलब चाहे वो जॉब इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स ना टिक पाना हो, किसी भी चीज में एक स्थिरता नहीं आ पा रही, एक अच्छी स्थिरता, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। आपको किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, ये आश्वासन नहीं आ पा रहा है कि हाँ मेरी ये नौकरी चलेगी, या हाँ मेरी हेल्थ अब अच्छी रहेगी, या हाँ मेरे रिलेशनशिप सब अच्छे ही चलेंगे। इनफैक्ट जिस चीज के लिए आप ज्यादा आशावादी हो जाते हैं वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है आपका। और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में डंका भी बजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई सिंपल सी आपकी ऐसी भी ख्वाहिश होगी जो आपने सिर्फ अपने तक रखी है, अपने अंदर रखी है, किसी को नहीं बताई है, ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई को, ना बहन को, किसी को भी नहीं बताई है, वो सारी चीजें तक नहीं पूरी होती हैं। और जब, और ऐसा ऐसा खराब सा है कि जब आपके होप्स बिल्कुल बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मान लो आप किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ आपका, जो भी आपसे सवाल जवाब करने के लिए वहां पर लोग बैठे हुए थे, सब बड़ा हंस हंस के आपसे बात कर रहे थे, सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। तो जब आप बाहर निकल के आए आप बहुत पॉजिटिव थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। हो सकता है आपने घर आकर के सबको बताया भी हो कि यू नो आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है मेरा हो जाएगा इस कंपनी में, लेकिन एचआर वाले आपको कॉल बैक ही नहीं करते। पता चला एक हफ्ता होगा, दो हफ्ता हो गया, फिर आपने अपनी तरफ से जब कॉल करने के लिए पूछा भाई क्या क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, तो पता चला कि उन्होंने तो किसी और को ले लिया है। तो ऐसी चीजें, जब आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो तुरंत ऐसा लगता है कि आप वापस से आकर के जमीन पर पटका खा लेते हैं, बिकॉज वो ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो पाती है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल वहाँ नौकरी कर रहे हैं, परसों वहाँ, यू नो बहुत कम कम गैप पर आपको जॉब्स छोड़नी पड़ रही हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं पर आपकी एंगेजमेंट हुई, टूट गई, फिर टाइम लग रहा है किसी कोई और पार्टनर मिलने में, वो सारी चीज़ें। और मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है रीजेनरेशन के साथ कि जो प्रॉब्लम खत्म होती भी हैं वो हमेशा के लिए नहीं खत्म होती हैं, वो फिर लौट फिर करके आ जाती हैं, घूम फिर करके। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू रहा हो, बड़ी समस्या के साथ, बड़ी यू नो काम करने के बाद उस चीज के ऊपर, काफी लंबा ट्रीटमेंट वगैरह लेने के बाद में वो प्रॉब्लम फाइनली खत्म हुई हो, बट जैसे ही दवाई रुकी दो तीन महीने में वो फिर प्रॉब्लम चालू हो गई। तो परमानेंटली ख़त्म नहीं हो पाता है। मान लो आपको बहुत समय बाद एक नौकरी मिली तो आप बहुत खुश हुए, आपने अपनी तरफ से अपना मन बना रखा है कि मैं तो मन लगा करके टिक करके इधर ही काम करूंगा, इधर ही काम करूंगा। पता चला दो तीन महीने में खबर आ गई कि नहीं, हम तो सैकिंग कर रहे हैं, थोड़ा हमें एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ेगा, बजट कम हो गया है, ये वो, या फिर कंपनी डूब रही है, ये तमाम चीज़ें। मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा दगा देते हैं, टू एन एक्सटेंड कि अब आपको वाकई में बहुत परेशानी होने लगी है लोगों के ऊपर भरोसा करने में। आपको डर लगता है लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने में, बिकॉज आपके इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार ये इनका असली चेहरा है भी या नहीं, बिकॉज कंसिस्टेंटली लोगों ने आपसे सिर्फ झूठ बोला है, फरेब किया है, अपना कोई रूप आपको दिखाया है, बट दरअसल वो कुछ और ही होते हैं आपके पीठ के पीछे। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि इनफैक्ट आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उन तक ने एकदम से अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बदल लिया था जब आप या आपकी फैमिली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। हो सकता है हमेशा आपके दोस्त आपके घर पर ही टंगे रहते हों और आपके पेरेंट्स उनका पूरा एंटरटेनमेंट करते रहते हों, उनके लिए स्नैक्स ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
बट जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई, मान लो किसी की हेल्थ नहीं ठीक हो रही थी या कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जो भी रहा हो, तो उनमें से कोई भी देखने नहीं आया, कॉल नहीं किया हालचाल पूछने के लिए, हेल्थ अपडेट्स लेने के लिए, नथिंग। तो जब जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल दौर आए हैं, तब तक आपके सामने लोगों के बहुत मुखौटे उतरे हैं। बहुत अकेलापन लगता है आपको कभी कभी उस रीजन से, और एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा डर हमेशा आपके अंदर लगा रहता है कि जो चीज़ अभी ठीक हुई है वो कहीं लौट करके फिर ना आ जाए, मतलब मैं शांति से सो भी सकता हूँ या नहीं। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये कब खत्म होंगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, द सन, द वर्ल्ड और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लवली, जो सबसे पॉजिटिव कार्ड हम मानते हैं टारो डेक का, द सन, वो आपके लिए निकल करके आ गया है, विच टेल्स मी कि आपकी लाइफ में अभी जो भी अंधकार छाया हुआ है, जो भी समस्याएं चल रही हैं जिनको लेकर के आप परेशान हैं, ग्रुप 3, वो सब खत्म होने वाले हैं। ये जो जो टफ साइकिल बेसिकली थी जिसमें आप घूमते चले जाते हैं, जैसे वो हैमस्टर होता है व्हील पर, भागते रहता है, वो चीज़ अब खत्म होने वाली है। वो खराब साइकिल क्लोज होकर के एक नई साइकिल जो कि बेहतर है वो स्टार्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेकर के आपके यंग एज तक वो प्रॉब्लम का पीरियड चलता ही चला आ रहा था, और अब जा करके वो खत्म होने वाला है। मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है ग्रुप 3, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस साल जब बर्थडे आएगा उसके बाद ऑनवर्ड्स आपकी प्रॉब्लम्स में आप नोटिस करेंगे कि वो कम होती चली जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपकी बर्थडे मई के महीने में होती है, ठीक है, तो मई के महीने में आपकी बर्थडे हो गई, उसके बाद आप देखोगे जून ऑनवर्ड्स आपका एक बेहतर पीरियड स्टार्ट हो गया है। अगर आपका बर्थडे जनवरी में ही होता है तो आप फेब्रवरी ऑनवर्ड्स ये चेंज नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपका बर्थडे दिसंबर में आने वाला है तो आप जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स नोटिस करोगे कि जिंदगी थोड़ी बेहतर होना चालू हो गई है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स टाइम यहाँ पर दिख रहा है कि लगभग 9 महीने और आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बट उसके बाद ऐसा लग रहा है मान लो इतना ब्राइट बल्ब किसी ने आपकी खोपड़ी पर जला दिया हो कि आंखें नहीं खोलते बन रही हैं, इतना वो नहीं, चकाचौंध कहते हैं या क्या कहते हैं, बेसिकली वही, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अभी तक इतना अंधकार था और अब इतना उजाला होने वाला है कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग आपको आएगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि कॉर्नकोपिया यहाँ पर मौजूद है एंड उसके बाद द सन, तो अभी तक इतने सालों में जो भी आपकी एक पाइपलाइन में आ गई थी सारी, वो विशेष जो पूरी नहीं हो रही थी, कुछ बहुत बड़ी विशेष थी, कुछ छोटी सी विशेष थी आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, सब कलेक्टेड रखी हुई है, वो सारी धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपकी सारी विशेष पूरी होती चली जाएंगी। सरकारी नौकरी वो मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर, फॉरेन जाना था वो होता हुआ दिख रहा है, रिलोकेट करना था वो दिख रहा है, ट्रांसफर अटका हुआ था वो होता हुआ दिख रहा है, पैसे पैसों में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, अच्छी कमाने वाली नौकरी नहीं मिल पा रही थी, या फिर तरक्की नहीं हो रही थी कमाई में, वो दिक्कतें खत्म होते हुए दिख रही हैं। ये साइकिल के खत्म होते ही जब नया साइकिल आपका स्टार्ट होगा, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसके पास आपकी कमी हो, जिसकी कमी आपके पास हो। पैसे तो हैं, एक मतलब लाइफस्टाइल ही आप समझ सकते हो एक तरीके से, आपका पूरा पूरा चेंज होने वाला है यार। घर में क्या फर्नीचर है, क्या चीजें यूज हो रही हैं, आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, हर चीज में परिवर्तन यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, थैंक्स टू ये जो वेल्थ आने वाली है आपके पास में। द सन यहाँ पर बता रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस जो एनर्जी में आप आने वाले हैं ना, ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, स्टेबिलिटी भी आ गई है, डर भी सारे अब खत्म हो गए। इस एनर्जी की वजह से जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो भी अट्रैक्ट होकर के आपकी लाइफ में उसी के बाद बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो जो चीज़ मैंने बोली थी ना कि प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं फिर आ जाती हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर परमानेंटली खत्म होते हुए दिख रही है द सन कार्ड के साथ। इस बार जब सवेरा होगा ना तो दोबारा से रात नहीं आएगी आपकी लाइफ में। वाह वाह वाह,
आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप थ्री, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।